तकनीकी खराबी होने के कारण पिछला वीडियो रुक गया। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको आगे पढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा एक मिनट का। शिक्षण, शिक्षण का तात्पर्य शिक्षा से है। शिक्षा शिक्ष धातु से लिया गया, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। ये इसका एक पर्टिकुलर है अधिगम शब्द। अधिगम का अर्थ भी सीखना सिखाना होता है, अंग्रेजी में इसे एजुकेशन, और लैटिन भाषा का जो एडुकेटम शब्द से इसे लिया गया, और जो एडुकेटम होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है ई और डुको। ये हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया ही है, लेकिन रिवीजन इसलिए करे दे रहे हैं कि किसी तकनीकी के कारण पिछला वीडियो रुक गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ई का अर्थ होता है अंदर से, और डुको का अर्थ होता है बाहर, अर्थात जो हमारे अंदर से यानी आंतरिक और बाह दोनों जो मिलकर विकास होता है, वही हमारे लिए, जो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, शिक्षा या शिक्षण हो जाता है। अभी फिलहाल पिछले वर्ष एक प्रकार से हम यहाँ पर अगर इसे डिस्क्राइब करना चाहें सीखना, तो सीखने को किस प्रकार हम शिक्षण अभिक्षमता सीखने के माध्यम से अपने को डेवलप कर सकते हैं, तो इसे हमने तीन प्रकार से बांटा है, इसका विभाजन किया है। के बी स्क्वायर, अर्थात के का तात्पर्य है नॉलेज से, बी से बिहेवियर, और बी से बिलीव। अर्थात नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, बिहेवियर का मतलब हुआ व्यवहार, और बिलीव का अर्थ हुआ विश्वास। यानी इन तीनों का मिला हुआ रूप ही हम क्या कह सकते हैं, सीखना या सिखाना। अर्थात इन तीनों से मिलकर ही जो एक विकास, आंतरिक विकास होता है या डेवलप होता है, उसे ही हम कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण। एक प्रकार से जो इन तीनों में चेंज इन अर्थात परिवर्तन, यानी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला दे, एक शब्द में हम कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना या सिखाना। तो इस प्रकार हमने सीखा शिक्षण शिक्षा से, शिक्ष धातु से, संस्कृत के सीखना या सिखाना इसका शाब्दिक अर्थ होता, अंग्रेजी में एजुकेशन एडुकेटम, ई और डुको से मिलकर बनता है। ई का अर्थ होता है अंदर, डुको का अर्थ होता है बाहर से, यानी अंदर से जो बाहर रूप में विकास होता उसे ही हम एडुकेटम या एजुकेशन कहते हैं। एक प्रकार से हम शिक्षा को शाब्दिक रूप से कह सकते हैं। इन तीनों में जो चेंज इन होती है, अर्थात जो परिवर्तन होता है हमारे स्वरूप में, उसे ही हम कहते हैं सीखना या सिखाना। अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है नेट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, कहीं ना कहीं पेडागॉगी से क्वेश्चन उसमें जुड़े रहते हैं, उस सब्जेक्ट की पेडागॉगी से क्वेश्चन रहते हैं, और जो भी सब्जेक्ट की पेडागॉगी होती है वो कहीं ना कहीं शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड होती ही होती है। तो एक प्रश्न आया था अभी, जिसका एक क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम अब आप लोगों के होने लगे हैं, तो प्रश्न था समीपस्थ विकास का संबंध है, अर्थात ये समीपस्थ क्या है। समीपस्थ यानी ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ आती हैं, अगर आपके से कोई प्रश्न सामने है और आप उसका अर्थ नहीं जान रहे तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते। तो सर्वप्रथम हमें इन शब्दावलियों के अर्थ आने चाहिए, यानी जो क्वेश्चन में हमारे शब्द हैं उनके हमें अर्थ पता होने चाहिए, जिससे हमें आंसर निकालने में आसानी हो जाए। तो जैसे एक प्रश्न आया था कि समीपस्थ विकास का संबंध है, अब हमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको ये पता होगा कि ये समीपस्थ शब्द निश्चित रूप से पूछा जाता है, यानी इसका क्या विकास से क्या संबंध है इस समीपस्थ, यानी समीपस्थ का अर्थ क्या होता है। तो जो समीपस्थ है इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, लेकिन किसका सर्वांगीण विकास, शिक्षार्थी का, ना कि किसी का। और थोड़ा सा मस्ती भी बीच में कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ये सब्जेक्ट है, कभी कभी लोगों को बोरिंग भी होने लगती है, लेकिन फिर भी चलिए हम अपने टॉपिक में आते हैं। समीपस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वांगीण विकास,
हम कह सकते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभीयों का, सभी विषयों का विकास ही एक प्रकार से क्या होता है, समीपस्थ विकास। अब आपसे पूछा जाए इसका संबंध किससे, तो चार ऑप्शन दिए हुए थे और चार ऑप्शन में वैज्ञानिक, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, एक स्टैनले हॉल, एक ऑप्शन ये था, दूसरे में थे चोमस्की, तीसरा ऑप्शन था वाइगोत्स्की, और चौथा ऑप्शन था जीन पियाजे। अब हम आपको बता दें कि ये चार ऑप्शन दिए हुए थे और आंसर में पहला, दूसरा, तीसरा या पहला, इस तरह करके ऑप्शन बनाए जाते हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें पूछा गया समीपस्थ विकास का संबंध है किससे, स्टेनले हॉल का है या चोमस्की का है या वाइगोत्स्की का है या जीन पियाजे का है, तो इसका आंसर था वाइगोत्स्की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इनका एक सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की जी ने समीपस्थ विकास की बात की, इन्होंने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही एक विकास शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण में अनिवार्य है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, उन तीनों या और भी सांस्कृतिक विकास, इन सब का जो मिला हुआ रूप होता है वही कहलाता है हमारा समीपस्थ विकास। तो वाइगोत्स्की जी का एक सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये तो इन्होंने बात कही ही कही, इसका इस सिद्धांत को इन्होंने दिया ही दिया, साथ में इन्होंने एक और सिद्धांत की बात की जेड पी डी, अर्थात इसका अर्थ होता है जेड पी डी का, जेड पी डी, इस सिद्धांत की इन्होंने बात की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात हम इसको सीधा सीधा हिंदी में एक शब्दावली में कह सकते हैं समीपस्थ विकास का केंद्र। यानी इन्होंने स्टैन वाइगोत्स्की जी ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया, जिसे इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया जेड पी डी के नाम से, और इसे हम इसका जो हिंदी में हम इसे कह सकते हैं समीपस्थ विकास केंद्र, और इसका जो अंग्रेजी में इसका नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात सर्वांगीण विकास। लेकिन अब हम कैसे जाने कि ये जेड पी डी है क्या, ये जेड पी डी का मतलब क्या होता है, तो इसको आप समझ लीजिए कि आखिर ये जेड पी डी से क्या रिलेटेड है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास केंद्र किसे कहते हैं, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो जो जेडीपी होता है, तो जैसे अब आप बात कर रहे हैं शिक्षण कौन पढ़ाता है, हमें एक टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी आप लोगों को पढ़ा ही रही हूँ, तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है और कहीं ना कहीं साथ में उसके लर्नर होता है, यानी जो सीखता है, एक टीचर होता है जो पढ़ा रहा होता है और जो सीखने वाला होता है लर्नर, यानी टीचर कहीं ना कहीं अपना पूरा 100% देता है। तो टीचर पूरा अपना 100% यानी जो भी विषय वस्तु वो चुनता है और जो भी वो लेसन प्लान बच्चों के सामने रखता है वो पूरा उसका 100% देता है। अब लर्नर उसे कितना ग्रहण करता है, अगर मान लीजिए टीचर ने 100% दिया और इस लर्नर ने 80% उसको ऑब्जर्व किया, अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20% आया, यानी कहीं ना कहीं उस बच्चे का विकास हद तक 100% के नियर अबाउट था, यानी केवल 20% रह गया। तो जो ये 20% है यही कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाता है, जेड पी डी कहलाता है। तो आपको ये पता चल गया कि जेड पी डी कहीं ना कहीं अब हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसी तरह शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार अभी हमने आपको एक प्रश्न बताया समीपस्थ, ये अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ इसमें ये क्वेश्चन आया है कि समीपस्थ विकास का संबंध किससे है। अब आप
वाइगोत्स्की जी ने ये सिद्धांत दिया है। उन्होंने दो सिद्धांत बताए, एक सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा ZPD जिसका अर्थ होता है समीपस्थ विकास केंद्र, और इंग्लिश में इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात समीपस्थ विकास, जो एक टीचर और लर्नर के बीच के संबंध को दर्शाता है और वो बताता है कि बच्चा कितनी हद तक उसने अपना विकास कर लिया है शिक्षण में। तो आज यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, इसके बाद आगे की नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।